26 तारीख का प्रोग्राम है मेरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से। आप मीडिया के साथियों को पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन में मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों ने जो आंदोलन शुरू की थी, अब ये सारा देश का आंदोलन बन चुका है हरियाणा प्रदेश का। तो एक घर से हम अपील करेंगे कि जो भी मेरे को सुन रहे हैं मेरे साथी किसान, वो 26 तारीख को एक एक घर से एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। हर तहसील लेवल पर हम ये प्रोग्राम करेंगे। जो किसान साथी एनसीआर क्षेत्र का है वो दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। जो दूर दराज के इलाके का किसान साथी है वो अपने तहसील लेवल पर डीसी ऑफिस में या जहां कहीं भी हमारे टोल फ्री का प्रोग्राम किया हुआ है, हर जिले में जो प्रोग्राम चला हुआ है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। इसके बाद जो 9 तारीख का प्रोग्राम हुआ वो जन जागृति अभियान का जो हमने शुरू किया है, जो एक पूरा पखवाड़ा में इसे प्रवक्ता ने भी बताया है, उस पखवाड़े में हम हर घर घर जाकर के टीमें बनाई गई है। हर क्षेत्र में वो टीमें अपना पैनल प्रस्तुत प्रचार करेंगी। जो जन जागृति अभियान के तहत हरियाणा के जो हमारे 6,500 के लोगों जो गाँव है तो हर गाँव तक इस कार्यक्रम का प्रोग्राम को पहुँचाने का पूरा प्रयास जारी रखेंगे। हर किसान के परिवार से जो हमारे राशन सामग्री पहुंच रही है, उस किसान का जो मेरे अंतिम गांव में बैठे हुए मेरी माता बहन जो नौजवान युवा साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि जो कोई भी आंदोलन या जो कोई भी जंग होती है उसका सेनापति या सेना तब तक अपने युद्ध में डटा रह सकता, अपने सीमा पर रह सकता है जब तक उसकी सामग्री रखत पहुंचते हुए। ये जो हमारे पीछे से हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो मेरी माता बहने अनाज चून अट्टा लेकर के जो यहाँ पहुंचाने का नौजवान मेरे साथी काम कर रहे हैं, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो इस मौसम की मार के बावजूद भी जो मेरा किसान बुजुर्ग 90-95 साल का किसान है, जो मेरी माता बहन हुए डटी हुई है, कल का जो मौसम का प्रोग्राम था इसकी वजह से कई टेंटे हट गए थे, ट्रोलियों में तरफान हट गए थे, फिर भी मेरा ये किसान चाहे उनका बिस्तर गीला हो गया उन्हें कोई परवाह नहीं है, डटे हुए हैं। उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर स्पष्ट कर दूं, 9 तारीख को सर छोटू राम की जो जयंती है, पुण्यतिथि है, उससे लेके 10 दिन तक हरियाणा के तमाम संगठन जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी संगठन हरियाणा के एक एक गांव में जाएंगे और वहां संदेशा लेके जाएंगे, सबको कहेंगे 26 जनवरी हर घर से एक संदेश। अब तनवीर अहमद दार साहब जो जम्मू कश्मीर से हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं राज्य के, सलाम जो जज्बे और ईमानदारी से आप इस सड़क को संभाल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि हर राज्य से हर स्टेट से अभी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, उसी सिलसिले में 40 दिन और रहने के बाद हमारे साथी जो गुजरात स्टेट प्रभारी जे के पटेल भाई उनको आज सुबह पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया सुरेंद्र, तो उसकी हम कंडी अल्फाज में इंतजार करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल हमारा आदमी जो है चल रहा है अच्छे तरीके से चल रहा है, हमें ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर ना किया जाए। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ और जम्मू कश्मीर का स्टेट और हमारे आखिरी वक्ता है बलदेव सिंह जी का रंजक। मीडिया कर्मी साथियों, जिथे असी सीनी मंडल तो लगातार इतने धरने शामिल हो अपना शानमय ढंग का संगठन चलाने हुए, जिथे केंद्रीय सरकार से अपना दबाव लगातार बना रहे हैं, बेशक केंद्रीय मोदी सरकार साढ़े दबाव समझी हो अपनी टाल टोल दीतियों के तहत वो इस संघर्ष में इतने नमा करना चाहती है, पर साढ़े साथी जो इतने हाजिर ने जो पिछे इस जत्थे मजबूती
लगातार दिन भर रात काम कर रहे पिंड उन्होंने हौसले मुताबिक साढ़े इतने साथी जो संघर्ष के शामिल ने उन्होंने जिते मौसम की खराबी होने के बावजूद उन्होंने हौसले बुलंद ने चाहे वह बच्चे ने चाहे साढ़िया भैन ने मावं ने बच्चिया ने जो लगातार पंजाब के इस धरने के शामिल हो रही ने इस धरने जित तक पहुँचाने लिए इतने बैठे साढ़े पंजाब के संयुक्त मोर्चे के साथियों एक तगड़ी मैं दे के साडे इस मोदी सरकार के हर सहूलतों हठी वतीरे तोड़न के लिए असं जित तक लेके जावे तो साई इतने पंजाब के देश के किसानों का ही फसलों ने जन अंदोलन जिते बाहरले मुल्कों को भी अब लगातार हमायत मिल रही है पर मोदी सरकार जी टीठा की बेईमाना की सरकार जिन्हें से वो समझी है कि असर पर भरावों मैं कहना चाहना कि मोदी सरकार से आए दिन थोड़े दबाव का असर हो असं एक दिन अपना मोर्चा तिने कार्यक्रम जरूर रद्द करवे इन्ना कहना है मैं आस करता कि सभी लोगों का जो सहयोग सू मिल रहा यह जित साड़ी आए दिन जी हो रही है इन्ना कहना धन्यवाद। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ों याद करवाना चाहता हूँ। एक वैसे 7 तारीख को फैक्ट्री मार्च रिहर्सल थे, फिर 8 तारीख को मीटिंग है सरकार के साथ, 9 तारीख को हरियाणा के चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि है और उसके बाद इससे साथ ही 6 से लेकर 20 तारीख तक एक 2 हफ्ते का जन जागरण अभियान भंडा तोड़ अभियान। इसी के बीच मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पहले से अनाउंस किए हुए प्रोग्राम है वो है कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ, खास करके अडानी और अंबानी का प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज के खिलाफ वे जारी रहेंगे, बाईकॉट उनका बाईकॉट जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजे के ऊपर पर्ची नहीं लगेगी, वो खुले रहेंगे और साथ ही ये जो NDA के पार्टनर BJP और उसके जो जितने भी घटक पार्टीज उसके साथ हैं NDA में, उनको एक्सपोज करना, उनका बाइकॉट करना, धरने लगाना, काले झंडे दिखाना वगैरह वगैरह, वे जो हमारा एक किसानों का जनता का प्रोग्राम है वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा, 23 तारीख को ये सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर आजाद हिंद किसान दिवस होगा और 25-26 को हमने पहले ही तय किया 26 को एक किसानों की ट्रैक्टर खरीद हुई है, आज नहीं हम अनाउंस कर चुके हैं, इनको शॉर्टली पहले आपके साथ इंसाइज भी आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद। तारीख बदलने का कारण है कल के लिए फोरकास्ट, कल के लिए वेदर फोरकास्ट हमने देख लिए और उससे हमें और बाकी पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, बस यही कारण। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप सबका। जिंदाबाद जिंदाबाद।